सरयू के तट पर दो चिताएं जल रही थी। ये चिताएं दो सगे भाइयों की थी। अपने बेटों के मारे जाने की सूचना मिलते ही पिता की तो इतनी हिम्मत ना थी कि वहां जाएं और अपने दोनों बच्चों की लाशों को देख सकें। इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई को फैजाबाद भेजा। फैजाबाद में जब उन्होंने अपने भतीजों की लाशें देखी तो माथा पकड़कर रोने लगे, क्योंकि उनके सामने बार बार यही सवाल आ रहा था कि वो उन बेटों की माँ को क्या जवाब देंगे जो इस बात से अब तक अनजान थीं कि उनके दोनों बेटे पुलिस द्वारा गोलियों से मारे जा चुके हैं। आज का किस्सा बड़ा ही मार्मिक है। इसमें करुणा है, दो भाइयों का प्रेम है और भक्ति है, सिवाय एक चीज के, इस किस्से में नहीं है दया। अगर दया होती तो ये किस्सा मैं आपको ना सुना रहा होता। काश दया दिखाई होती तो एक परिवार को काश की फांस ना चुभी होती। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व संवाद केंद्र की राष्ट्र मंदिर सीरीज में। और आज हम बात करेंगे राम मंदिर के इतिहास में अपना योगदान देने वाले दो भाई शरद कोठारी और राम कोठारी की। यह किस्सा है हीरालाल कोठारी के दो लड़कों का, राम कोठारी और शरद कोठारी। ये दोनों ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे। 1990 में जब कार्य सेवा की जानी थी और बिहेव द्वारा इसका ऐलान किया गया, तब इन दोनों भाइयों ने जिद पकड़ ली कि वो भी उस कार्य सेवा में शामिल होने के लिए जाएंगे। उस समय बिहेव के अधिकारियों द्वारा उन्हें समझाया गया कि एक घर से एक ही व्यक्ति को जाने की अनुमति है, लेकिन राम नहीं माना। उसने कहा कि राम की भक्ति में यह राम तो जाएगा ही। इस पर उनके छोटे भाई का कहना था कि जब राम जाएगा तो वहां लक्ष्मण भी जरूर जाएगा। इन तर्कों से परिवार और संगठन के अधिकारी निरुत्तर हो गए और उनके पिताजी ने उन्हें इस बात पर कार सेवा के लिए जाने की अनुमति दी कि वे वहां पर पहुंचकर प्रतिदिन एक चिट्ठी घर के लिए लिखेंगे जिसमें उनकी कुशलता का समाचार होगा। अक्टूबर 1990, मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश और खासकर अयोध्या की ओर आने वाली ट्रेनों पर रोक लगा दी। करीब 200 किलोमीटर पैदल चलकर आने वाले दोनों भाई शरद कोठारी और राम कोठारी अयोध्या पहुंचते हैं और 30 अक्टूबर से होने वाली कार सेवा में शामिल होते हैं। शरद कोठारी उस दिन बाबरी ढांचे पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति था जिसने उस ढांचे की गुम्मत पर चढ़कर भगवा फहराया था। शरद के बाद राम कोठारी उस गुम्मत पर चढ़ा था। उस घटना के बाद देखते ही देखते ये दोनों भाई पूरी अयोध्या में प्रसिद्ध हो गए और इनको लोग नाम से जानने लगे कि कलकत्ता से आए दो भाई सर्वप्रथम उस गुम्मत पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। इसके बाद आता है 2 नवंबर का दिन, जब कार सेवक हनुमानगढ़ी से मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान पुलिस द्वारा उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। इनका असर कार सेवकों पर ना हो इसलिए एक कार सेवक आगे आकर उन गोलों को नाली में फेंक रहा था। तभी एक गोली उसकी छाती पर पड़ी और वह उसी स्थान पर हे राम लिखकर ढेर हो गया। गोलीकांड प्रारंभ हुआ तो उन पत्रकारों की गलतफहमी भी दूर हो गई जिन्हें अब तक यह लग रहा था कि पुलिस उनकी मौजूदगी में कम बर्बरता करेगी। पुलिस का गोलीकांड प्रारंभ हुआ। राम कोठारी और शरद कोठारी, जो हनुमानगढ़ी से कार सेवकों की भीड़ में आगे बढ़ रहे थे, अचानक शुरू हुए इस गोलीकांड के कारण वे कार सेवकों की भीड़ में इतर बितर हो गए। पुलिस इस दिन इन्हीं दोनों भाइयों की तलाश भी कर रही थी। उन्हें सबसे पहले शरद नजर आया। शरद, जो एक घर में छिपा हुआ था, वह पुलिस द्वारा बाहर निकाल कर लाया गया और पुलिस ने उसे घुटनों के बल सड़क पर बैठा दिया। जब पुलिस ने शरद पर बंदूक तानी तो
पुलिस को दूर से एक आवाज आती हुई सुनाई दी कि मेरे भाई को छोड़ दो, मारना ही है तो मुझे मार दो। यह दयनीय पुकार थी। राम कोठारी अपने भाई के लिए पुलिस से छोड़ने की दया याचना कर रहा था, लेकिन पुलिस ने इस बात पर बिल्कुल गौर न करते हुए उसी के सामने उसके छोटे भाई को गोली मार दी। अपनी आंखों के सामने ही अपने छोटे भाई को मारे जाते देख स्तब्ध खड़ा राम मातम मना ही नहीं पाया था कि एक गोली आई और उसके सीने से पार हो गई और देखते ही देखते सैकड़ों कार सेवकों की लाशों के बीच यह दोनों भाई राम भक्ति के उत्कर्ष पर पहुंचकर बलिदान हो गए। उनका यह बलिदान राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में अजर अमर हो गया। उनका यह बलिदान मंदिर निर्माण में अपना योगदान देने वाली हुतात्माओं के रूप में अंकित हो गया। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर सीरीज में हम ऐसे ही योगदान देने वालों की बात कर रहे हैं जिनके कारण आज हमारा राम मंदिर भव्यता से आकार ले रहा है। अगर आप भी इन किस्सों को जानना चाहते हैं तो हमारी इस सीरीज राम मंदिर राष्ट्र मंदिर को देखना ना भूलें। हमारे लिए यह किस्सा लिखा था हमारे साथी मधुर शर्मा ने।